नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बेसिक है मल्टीप्लिकेशन का वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शनल नंबर है, जो नंबर हमारे होते हैं 2/3, 5/4, जो इस तरह नंबर होते हैं फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं इनको। ये फ्रैक्शनल नंबर जो हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि हम किस किस तरह इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी वन है, इफ़ टू फ्रैक्शनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन इधर ऑर्डर, मतलब है अगर दो फ्रैक्शनल नंबर आर मल्टीप्लाई करते हैं इन इधर ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, द प्रोडक्ट रिमेंस द सेम। मान लीजिए 2/3 है इंटू 5/4 है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले 5/4 इंटू 2/3 हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर में क्या कुछ चेंज आएगा? पहली प्रॉपर्टी यही है, इससे हमें पता चलेगा कि अगर हम नंबर को आगे पीछे चेंज कर देते हैं तो आंसर चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम इसे करते हैं, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। देखिए यहाँ भी आंसर ये आया है 10/12, और यहाँ पर भी 10/12 आया है। इसको हम काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो हो गया इसका आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आंसर आया इसका, 5/6। सेम हेयर, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ पर भी क्या आएगा, 5/6। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ऊपर वाला 2 है इस 2 से आप इसको काट लेते 4 को 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या आता, यहाँ पर 1 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ऐसे कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई को आगे पीछे कर लें, फ्रैक्शन नंबर हो या फिर होल नंबर हो, कोई चेंज नहीं है। 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल, 4 2/3 इंटू 5 1/3 विद इन ब्रैकेट इंटू 1/5, ये हो गया। दूसरी तरफ हम लेते हैं 4 2/3 इंटू 1/5 इंटू 5 1/3, हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिया। अब देखते हैं दोनों सोल्व करके क्या आंसर आता है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 2/3, ये मैंने आपको बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। देखो ये क्रॉस में जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये सामने जा रहा है तो ऐड करेंगे, क्योंकि सामने ऐसे करके प्लस बन सकता है, और हमेशा जब क्रॉस में करते हैं तो मल्टीप्लाई बनता है, जब सीधे ऐसे करते हैं तो प्लस या माइनस बनता है। तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगी ऐसे, फिर ये ऐड होगा, जो आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और नीचे सेम यही रहेगा। यहाँ देखते हैं, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 3 नीचे रहेगा, इंटू 5 × 3 15 प्लस 1 16, 3 इंटू 1/5। देख लीजिए हमने क्या किया, 4 × 3 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3 और 1/5, हमने तीनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए
14 इंटू 16 इंटू 1 ऊपर आया है और नीचे क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 16 यह आएगा 224 इंटू 1 सेम रहेगा और नीचे 5 3 15 15 3 45। ये आंसर आया। इसको चेक करते हैं, 4 3 12 और 2 14 upon 3 into 1 upon 5 into 5 3 15 plus 1 16 upon 3। सेम यहाँ पर आ गया 14 upon 3 into 1 upon 5 into 16 upon 3। सेम होगा 14 into 1 into 16 ऊपर आएगा और नीचे 3 into 5 into 3। कभी भी आप मल्टीप्लाई में ऊपर वालों की नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई ना करें, हमेशा ऊपर वाले और नीचे वाले डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सामने सामने वाले हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन नीचे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आ गया, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 224 upon 45। सेम है दोनों। तो इस समय क्या पता चला कि मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं हम, जो भी डिजिट है हमारी, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके आंसर में सेम ही रहेगा। देखिए प्रॉपर्टी 2, इफ़ ए फ्रैक्शनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इट्सेल्फ। मतलब यह है, अगर एक फ्रैक्शनल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1, एक के साथ, 1 के साथ, जैसे 2 upon 3 multiply by 1 हम करते हैं, तो द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इट्सेल्फ, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो नंबर ही होगा, इसका आंसर जो आएगा वो नंबर ही आएगा, मतलब 2 upon 3 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, 2 upon 3 है, इंटू 1 upon 1 लिया हमने, ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2 3 1 जा 3। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 upon 7 multiplied by 1, या आप लिख सकते हैं इसको 1 multiplied by 5 upon 7। 1 upon 1 नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 7 1 जा 7। तो क्या आंसर आया हमारा, जो नंबर था वही आंसर आया, यहाँ भी 5 upon 7। तो मतलब ये है, अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो आंसर क्या होगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, आंसर में वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। प्रॉपर्टी 3, इफ ए फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर हम किसी नंबर की, फ्रैक्शनल नंबर की या किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं, द प्रोडक्ट इज 0, वो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 3 upon 5 multiplied by 0, अगर हम इस नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, कोई भी नंबर हो। (9 upon 7 multiplied by 0) इसका भी क्या आएगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको, 9 into 0 upon, नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे इसके, नीचे भी 0 ही आएगा, 7 into 0, तो ये क्या हुआ, 0 ही आंसर आएगा इसका। तो हमारी ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो आज हमने देखी। एक प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लाई में हम अगर कोई भी डिजिट आगे पीछे कर देते हैं, आगे पीछे का मतलब ये है 2 upon 3 into 3 upon 5 या फिर 3 upon 5 into 2 upon 3 हम कर देते हैं, इन दोनों का आंसर सेम आएगा,
ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमने 2 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 2 कर दिया, और ये 3 अपॉन 5 है तो इसको यही लिखा रहने दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा डिजिट को इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, पूरी पूरी डिजिट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम, वरना हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। देखते हैं एक और, 7/3 × 5/2, अगर ये है हमारा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 × 7/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5/3 × 7/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 7/2, लेकिन जो ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे सभी, 7 और 5 ऊपर थे तो 7 और 5 दोनों ऊपर हैं, ऊपर हैं, 3 और 2 नीचे हैं तो 3 और 2 नीचे है, हम इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो ये डिजिट हैं इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं। और देख लीजिए आप, 5 के नीचे 2 था तो मैंने 3 कर दिया, आंसर तब भी वही आएगा, देख लेते हैं, 7/5 = 35, 3/2 = 6, इसका आंसर आया 35/6, इसका आंसर चेक करते हैं, 7/5 = 35, 3/2 = 6, सेम आंसर है दोनों का, जबकि हमने क्या किया, यहाँ पर 5/2 है और यहाँ पर है 5/3, यहाँ पर 7/3 है, यहाँ पर है 7/2, फिर भी आंसर सेम है, मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में डिजिट आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे पूरा पूरा फ्रैक्शनल नंबर आगे पीछे कर लीजिए या ऊपर की एक डिजिट, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, वरना आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी के ऊपर जो रूल है, डिवाइड करने वाले क्या क्या रूल हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं जो भी हैं, और उनके ऊपर बेसिक एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करें, जब तक जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एग्जांपल कराया, प्रॉपर्टी कराई हैं, और जो पिछली वीडियो है वो भी देखें। थैंक यू।